देवास जिले के बागली गांव में ब्रह्मलीन स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज के 8वें निर्वाण दिवस पर संतों का आगमन हुआ। यहां 5 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ की पूर्णाहुति, सामूहिक साधना, रुद्राभिषेक, सद्गुरुदेव आरती और आदरांजलि सभा हुई। कार्यक्रम में स्वामी नित्य मुक्तानंद, धूमावती कोटेश्वर, कवर्धा, छत्तीसगढ़ के स्वामी गिरधर तीर्थ महाराज, ज्ञानानंद जी तीर्थ सहित बड़ी संख्या में संत यहाँ दिव्य रूप में मौजूद रहे। संतों ने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन भी कहे। कार्यक्रम में स्वामी परमानंद तीर्थ द्वारा लिखी गई पुस्तक चित्त शुद्धि का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। रामाधर द्वितीय ने बताया कि पुस्तक में चित्त शुद्धि के महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। कार्यक्रम के बाद भंडारा हुआ। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोग अपने जीवन के लक्ष्य को समझें। महाराज जी ने पुस्तक लिखी चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि एक अध्यात्म का शब्द है। बिना चित्त शुद्धि के और मनुष्य का भगवत साक्षात्कार नहीं। चित्त शुद्धि नामक ग्रंथ का विमोचन किया गया और ये पुस्तक यहाँ पर लोगों को वितरित की गई। परम पूज्य स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज, जो शक्तिपाद परंपरा के आधार स्तंभ थे, आज उनकी अष्टम निर्वाण दिवस, जिसको बोलचाल की भाषा में पुण्यतिथि बोलते हैं, ये पंचदिवसीय संक्रामक शिव शक्ति यज्ञ के साथ प्रारंभ हुआ। गीता जयंती, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, मोक्षदा एकादशी, दिनांक 25 दिसंबर 2020 से आज 29 दिसंबर और 2020 तक ये पंचदिवसीय आयोजन किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।